युद्ध में घाव भी होगा, दर्द भी होगा। भारत को भी 1971 के युद्ध में एक ऐसा ही घाव लगा था, और वो घाव था INS खोखरी की जल समाधि। इस घटना में कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला की वीरता की दास्तान भी अनोखी है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना के दो जहाज INS कृपाण और INS खोखरी को तबाह करने के लिए पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर के दल को जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों जहाजों के कमांडिंग अफसर कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला थे और वे INS खोखरी पर तैनात थे। अरबी समुद्र में दीव के नजदीक यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। फ्रांस निर्मित PNS हंगोर के मुकाबले ब्रिटिश कालीन दोनों भारतीय जहाज तकनीकी दृष्टि से काफी पीछे थे। भारतीय नौसेना को इसकी जानकारी थी, लेकिन युद्ध में नियम या शर्त नहीं होते। दोनों भारतीय युद्ध जहाज अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे थे। 9 दिसंबर की शाम 7:57 पर PNS हंगोर ने टॉर्पीडो फायर करके पहला हमला INS कृपाण पर किया। टॉर्पीडो नजदीक आए उससे पहले ही कृपाण ने मोर्टार से नष्ट कर दिया, तो दूसरी ओर INS खोखरी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और हंगोर की ओर आगे बढ़ी। हंगोर ने दूसरा टॉर्पीडो फायर किया, वो सीधा खोखरी की ऑयल टैंक को लगा था। जहाज में आग लगी। पाकिस्तानी सबमरीन के कप्तान कमांडर अहमद तस्नीम का दावा था कि जहाज सिर्फ 2 मिनट में ही डूब गया था। उसके बाद जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बताया गया था कि खोखरी को तबाह करने के लिए 2 और टॉर्पीडो फायर करने पड़े थे। INS कृपाण को भी एक टॉर्पीडो लगा था, इसी वजह से उसको समंदर में बिना आधार खड़ा रहना पड़ा था। खोखरी को डूबता देखकर कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला ने कोई भी जल्दबाजी किए बिना नौ सैनिकों को जहाज छोड़ने का आदेश दिया और खुद का लाइफ जैकेट भी एक सैनिक को दे दिया। वे कुर्सी पर बैठकर आदेश दे रहे थे। INS खोखरी ने दीव से 40 नॉटिकल माइल दूर 18 अफसर और 176 नौ सैनिक के साथ समाधि ली थी। कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला ने नौसेना की परंपरा को संभालते हुए जहाज को छोड़ देने की जगह जहाज के साथ ही जल समाधि ले ली थी। गोरखपुर के कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। साथ ही नौसेना में नए प्लानिंग और ढांचे पर नए सिरे से चर्चा शुरू की गई थी। INS खोखरी के बहादुर योद्धा की बलिदान स्मृति में 15 दिसंबर 1999 के दिन भारतीय नौसेना ने दीव में एक स्मारक स्थापित किया, जहां INS खोखरी का एक छोटा सा मॉडल भी रखा गया है।